हेलो एंड वेलकम दोस्तों, मैं मिस्टर खान और आप देख रहे हैं डिजिटल बिहार यूट्यूब चैनल। तो दोस्तों आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं, अगर आपकी मोबाइल या लैपटॉप चोरी हो जाती है, गुम हो जाती है या खो जाती है तो आप कैसे कंप्लेन कर सकते हैं। हाँ जी दोस्तों, आप बिल्कुल कंप्लेन कर सकते हैं, फ्री ऑफ कॉस्ट कंप्लेन होता है, उसकी कोई भी चार्जेस नहीं लगती और उसे आप ऑनलाइन भी कर सकते हैं। तो दोस्तों आज की इस वीडियो में इसी के बारे में मैं आपको बताने वाला हूं कि अगर आपकी लैपटॉप मोबाइल या कोई भी प्रोडक्ट ऐसी खो जाती है तो आप उसकी एफआईआर ऑनलाइन कंप्लेन कैसे करें पुलिस को, ताकि आपकी प्रोडक्ट आपको रिकवर कराई जा सके या फिर उस प्रोडक्ट से आने वाली कोई भी खतरा से आप बचे रहे। तो दोस्तों ये सारी चीजें इस वीडियो में मैं आपको एक्सप्लेन करने वाला हूं। अगर आप भी जानना चाहते हैं ये कंप्लेन कैसे करते हैं तो बने रहिए इस वीडियो में और लास्ट तक देखिए इस वीडियो को। तो दोस्तों चलिए शुरू करते हैं। तो दोस्तों ऑनलाइन कंप्लेन करना है अगर आपको कोई भी प्रोडक्ट आपका खो जाता है, जैसे मोबाइल और लैपटॉप, ये तो सिंपल सी बात हो गई है, हमेशा हमारा मोबाइल या लैपटॉप खोते रहता है, तो हम कैसे अपनी मोबाइल या लैपटॉप के लिए कंप्लेन करेंगे ऑनलाइन, ताकि हम हर एक परेशानियों से बच सके और अपनी फोन अपनी लैपटॉप को प्राप्त कर सके, उसे पा सके। तो दोस्तों उसके लिए आपको सिंपल ब्राउजर ओपन कर लेना है। ब्राउजर ओपन करने के बाद आपको गूगल को ओपन कर लेना है। देखेंगे हमारे सामने गूगल ओपन हो गया है। दोस्तों यहाँ पे ध्यान रखेंगे कि आप कौन से स्टेट से बिलोंग करते हैं, यानी कि दोस्तों हर एक स्टेट के लिए अलग अलग कंप्लेन की वेबसाइट है, उसी वेबसाइट से आपको कंप्लेन करना होता है। फिलहाल मैं दिल्ली में रहता हूं तो मैं आपको दिल्ली में कंप्लेन कैसे करते हैं ऑनलाइन कोई भी प्रोडक्ट मिस हो जाने के लिए, ये मैं आपको बता रहा हूं, और नेक्स्ट वीडियो में मैं और भी स्टेट के बारे में आपको बता दूंगा। तो दोस्तों अगर ये वीडियो आपको समझ आ जाती है तो आप किसी भी स्टेट में रहते होंगे वहां पे आप ऑनलाइन ऐसे ही कंप्लेन कर सकते हैं। तो दोस्तों यहाँ पे कंप्लेन करने के लिए जैसे ही मैं डालूंगा ऑनलाइन एफआईआर, देखेंगे ऊपर यहाँ पे आ गया ऑनलाइन एफआईआर, इस पे आपको क्लिक कर देना है। जैसे यहाँ पे क्लिक करेंगे देखेंगे दोस्तों यहाँ पे आ गया आपको दिल्ली पुलिस शांति सेवा, जो हमारा लोकेशन है ये बाय डिफॉल्ट दिल्ली है और इसीलिए यहाँ पे दिल्ली आ गया डायरेक्ट। लेकिन अगर आपको यहाँ पे जो भी स्टेट है उसका नाम आप, जैसे कि ऑनलाइन एफआईआर के बाद में उसका नाम आपको टाइप कर देना है, जैसे दिल्ली, यूपी, हरियाणा, मुंबई, देख रहे हैं आप यहाँ पे सारी चीजें आ जाती है। जैसे मुझे दिल्ली का करना है तो मैं दिल्ली पे क्लिक करूंगा, वैसे आ जाएगा। यहाँ पे आप देख सकते हैं सबसे ऊपर वेबसाइट है, इस पे आपको क्लिक कर देना है। जैसे आप क्लिक करेंगे आपके सामने ये पेज ओपन हो जाएगा, दिल्ली पुलिस शांति सेवा। दोस्तों यहाँ पे देखेंगे हमें कंप्लेन करना है हमारे खोए हुए मोबाइल फोन के लिए या हमारे कंप्यूटर लैपटॉप या कोई भी प्रोडक्ट जो आपका खोया है। कंप्लेन करने के लिए दोस्तों सिंपल आपको होम पे क्लिक करना होता है, देखेंगे यहाँ पे होम है, इस पे आपको सिंपल क्लिक करना है। जैसे आप क्लिक करेंगे हमारे सामने बहुत सारे पेजेस यहाँ पे ओपन हो जाते हैं। यहाँ पे आप देख सकते हैं अलग अलग टाइप्स के बॉक्स बने हैं, जो भी टाइप्स की प्रॉब्लम आपके साथ हुई होगी उस बॉक्स पे आपको क्लिक करना है। हमें कंप्लेन करना है तो कंप्लेन करने के लिए यहाँ पे देख सकते हैं सिटीजन सर्विस, इस पे आपको क्लिक करना है। जैसे आप यहाँ पे क्लिक करेंगे दूसरे पेज पे हमें रिडायरेक्ट कर दी जाती है। यहाँ पे आप देख सकते हैं टोटली प्रॉब्लम जो हमारे साथ होती है इसका बॉक्स यहाँ पे अवेलेबल है, कंप्लेंट, लैंडिंग, यहाँ पे देखेंगे थीप चोर, एफआईआर, यहाँ पे आपको लॉस्ट एंड फाउंड, यहाँ पे मिसिंग सॉल्ड मोबाइल फोन, बहुत सारे यहाँ पे चीजें आपको देखने को मिल जाती है, बाइक वगैरह, जो भी आपके साथ घटित हुआ है घटना, जो भी आपका खोया है उसके अकॉर्डिंग आप यहाँ पे एफआईआर कर सकते हैं, कंप्लेन कर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल मेरा फोन खो गया है तो मैं अपनी फोन को ढूंढने के लिए, यानी उसके लिए मैं कंप्लेन करने वाला हूं, तो उसके लिए यहाँ पे लॉस्ट एंड फाउंड फोन वाले बॉक्स पे आपको क्लिक करना है। जैसे इस पे मैं क्लिक करूंगा, क्लिक करने के बाद यहाँ पे हमारे पास वेलकम टू दिल्ली पुलिस लॉस्ट अब्लिक फाउंड आर्टिकल रिपोर्ट सिस्टम यहाँ पे हमारे सामने ओपन हो जाता है। यहाँ पे देखेंगे दो ऑप्शन आपको मिल जाता है, लॉस्ट आर्टिकल और फाउंड आर्टिकल रिपोर्ट। अभी मुझे लॉस्ट हुआ है यानी कि हमारा खोया हुआ है तो मैं इस पे क्लिक करने वाला हूं। अगर आपको कुछ मिला है उसके लिए आप एफआईआर करना चाह रहे हैं तो आप इस पे कर सकते हैं क्लिक। फिलहाल मुझे खोया है तो मैं इस पे क्लिक कर देता हूं। जैसे इस पे क्लिक करूंगा देखेंगे यहाँ पे बहुत सारे ऑप्शन ओपन आ जाएंगे, आपको सिंपल रजिस्टर्ड पे क्लिक करना है अगर आपको कंप्लेन करना है तो। ऊपर वाले ऑप्शन में हम स्टेटस को चेक करते हैं, ये भी मैं आपको बता दूंगा। रजिस्टर पे जैसे मैं क्लिक करता हूँ, रजिस्टर पे क्लिक करते हैं यहाँ पे देखेंगे कि फिर से वो पेज ओपन हो गया और यहाँ पे एक पेज नीचे आपको ओपन मिल जाएगा। यहाँ पे देख सकते हैं पुलिस रिपोर्ट ऑफ आर्टिकल अब्लिक डॉक्यूमेंट लॉस्ट इन दिल्ली, यहाँ पे आपको टोटली डिटेल आपका फुलफिल करना होगा जिसके साथ ये घटना घटा है। यहाँ पे आप देख सकते हैं
कंप्लेंट नेम यानी जो बंदा कंप्लेन कर रहा है उसका नाम या वही नाम जो आपके आधार कार्ड या फिर आपके आइडेंटिटी प्रूफ में हो। यहाँ पे फादर नेम या मदर नेम आपको टाइप करना है, यहाँ पे एड्रेस अपनी टाइप करनी है, कंप्लीट एड्रेस टाइप करें और सही एड्रेस टाइप करें ताकि आपकी एफआईआर से जुड़ी जो भी कॉपी होगी वो आपको डाक के द्वारा आपके एड्रेस पे ही भेजी जाती है। यहाँ पे आपको मोबाइल नंबर टाइप करना है अपना और यहाँ पे अपना ईमेल एड्रेस टाइप करना है और यहाँ पे आपको प्लेस टाइप करना है जहाँ पे आपका सामान चोरी हुआ है, खोया है, जो भी आपके साथ हुआ है उस प्लेस का नाम डालेंगे। उसके बाद दोस्तों यहाँ पे आपको डेट ऑफ लॉस्ट, कौन से डेट में आपके प्रोडक्ट लॉस हुआ है, कौन सी डेट में आपकी चोरी हुई है, जो भी आपके साथ जो घटना घटा है किस डेट में घटा है उसको आप यहाँ पे टाइप करेंगे। उसके बाद दोस्तों यहाँ पे घटना का अगर टाइम आपको पता है तो वो भी टाइप कर सकते हैं। उसके बाद आर्टिकल में यहाँ पे लॉस्ट आर्टिकल में आपको टाइप करना है कि क्या चीज आपका खोया है, यानी कि दोस्तों अगर आपकी बाइक खोई है, आपकी मोबाइल खोई है, अगर आपकी कंप्यूटर खोई है तो आपको यहाँ पे टाइप करना है। और उसके बाद इसके डिस्क्रिप्शन में आपको डाल देना है कि लैपटॉप कौन सी कंपनी की थी, अगर लैपटॉप खोई है तो कौन सी मॉडल थी, किसके नाम पे था, कितनी वारंटी थी, समथिंग लाइक दैट यहाँ पे आप टाइप कर सकते हैं। अगर मोबाइल खोया है तो वैसे ही मोबाइल के बारे में, और भी कोई चीजें खोई है तो उसकी डिटेल आपको डिस्क्रिप्शन में डालना पड़ता है। यहाँ पे डिस्क्रिप्शन में आप ऐड भी कर सकते हैं, ऐड पे क्लिक करके जैसे जैसे आप डिस्क्रिप्शन डालेंगे ऐड होता जाएगा, अगर कोई मिस्टेक हो जाती है तो आप यहाँ पे डिलीट कर सकते हैं। ध्यान रखेंगे दोस्तों इस फॉर्म को फिल करते टाइम आपको ध्यान रखना है कोई भी मिस्टेक ना हो, क्योंकि जो आप इसमें भरेंगे वही आपका एफआईआर में आएगा। उसके बाद दोस्तों यहाँ पे एनी अदर डिटेल्स यानी आपको डाल देना है, जैसे आपकी बाइक अगर गुम हो गई है तो आप अपनी बाइक की डिटेल डाल सकते हैं कि आपका नंबर क्या था बाइक का, आप अपनी डिटेल उसके बारे में डाल सकते हैं। अगर आपकी लैपटॉप अगर मोबाइल आपकी खोई है तो उसकी डिटेल आप डाल सकते हैं विद IMEI नंबर, उसका प्रोडक्ट नंबर, उसकी बिल्स, जो भी आपको इसमें मिलेगा टोटल A to Z इसमें डाल देंगे। उसके बाद आपको यहाँ पे कैप्चर कोड डाल देना है, जो भी यहाँ पे कैप्चर कोड है। कैप्चर कोड डालने के बाद दोस्तों सिंपल आपको सबमिट करना है। जैसे ही आप सबमिट करेंगे आपको मिल जाएगा एक PDF फाइल, जो भी आपने डेटा इसमें आप टाइप किए हैं वो डेटा को एक पेज पे राइट करके आपको एक PDF फाइल दे दी जाती है। आइए देख लेते हैं वो PDF फाइल कैसा होता है। जैसे ही आप कंप्लेन करेंगे, कंप्लेन करने के बाद ये PDF आपके सामने आता है और आने के बाद जो पुलिस स्टेशन आपके नजदीक या आपके घटना स्थल के नजदीक होता है वहां पे भी इसकी कॉपी एक भेज दी जाती है। ये गवर्नमेंट की सुविधा है, वो आपको कॉल करके या फिर आपको मैसेज करके बुलाते हैं और बुला करके आपको ये कंफर्मेशन डिटेल लेते हैं कि ये आपने जो लिखा है FIR में क्या वो सही है, तो आप सही सही वहां पे कर देंगे तो पुलिस इस बेस पे कार्रवाई करना स्टार्ट कर देती है। तो दोस्तों अगर आपको स्टेटस जानना है अपनी FIR का, जो भी आप अपने FIR किया है, जो भी प्रोडक्ट से रिलेटेड आपने कंप्लेन किया है उसका अगर स्टेटस जानना है तो आपको जरूरत पड़ती है आपकी कंप्लेन में LR नंबर, जो कि आपको PDF फाइल में मिल जाता है। जैसे कि आप देख सकते हैं यहाँ पे डिस्प्ले पे LR नंबर से आप अपनी FIR की स्टेटस को चेक कर सकते हैं। इसे चेक करने के लिए फिर से आपको जाना पड़ेगा दिल्ली पुलिस की वेबसाइट पे। जैसे कि देखेंगे हम वेबसाइट पे आ गए हैं और यहाँ पे आपको फिर से होम पे क्लिक करना है। होम पे क्लिक करने के बाद दोस्तों आपके पास वही सारे ऑप्शन आ जाएंगे, फिर आपको यहाँ पे सिटीजन सर्विस पे क्लिक करना है और उसके बाद दोस्तों सिंपल आपको इस पे क्लिक करना है लॉस्ट एंड फाउंड पे। जैसे ही आप इस पे क्लिक करेंगे आपके सामने वही वाला पेज ओपन हो जाएगा। तो दोस्तों फिर से आपको इसी पे क्लिक करना है लॉस्ट आर्टिकल रिपोर्ट पे। जैसे आप क्लिक करेंगे, क्लिक करने के बाद वही वाला ऑप्शन ओपन होता है। जैसे कि आप जानते हैं रजिस्टर हमें करना है जबकि हम फाइल करते हैं FIR, लेकिन हमें स्टेटस चेक करना है तो जैसे मैंने आपको बताया था कि ऊपर वाले पे क्लिक करना है, आपको इस पे क्लिक करना है। जैसे आप क्लिक करेंगे आपके सामने पेज ओपन होता है और नीचे जब स्क्रॉल करेंगे तो यहाँ पे आपको मिल जाता है, देखेंगे इंटर LR नंबर, जो भी LR नंबर वहां पे आपका था। जैसे कि ये LR नंबर, इसे आपको सिंपल टाइप कर देना है। यहाँ पे LR नंबर टाइप करेंगे, टाइप करने के बाद यहाँ पे आपको ईमेल एड्रेस देना है, जो ईमेल एड्रेस आपने पुट किया है। जैसे कि यहाँ पे ईमेल एड्रेस देख सकते हैं, जो भी ईमेल एड्रेस यहाँ पे आपने पुट किया है वह ईमेल एड्रेस आपको यहाँ पे टाइप करेंगे। टाइप करने के बाद सर्च करेंगे, आपको स्टेटस दिखा दी जाती है आपकी FIR की, कि आपकी FIR पे कितना वर्क हो चुका है और कहाँ तक उसकी प्रोसेस पहुंच चुकी है। तो दोस्तों उम्मीद करता हूं आपको पता चल गया होगा कि आप अपने खोए हुए, लॉस्ट हुए मोबाइल या लैपटॉप के लिए कैसे ऑनलाइन कंप्लेन कर सकते हैं और कैसे आने वाली कोई भी प्रॉब्लम से आप बच सकते हैं। तो दोस्तों इस वीडियो में इतना ही। ऐसे ही वीडियो देखते रहने के लिए हमारे चैनल डिजिटल VR YouTube को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर करें। ऐसे ही वीडियो हम हमेशा लेके आते रहते हैं, इसके लिए हमारे चैनल को देखते रहें, दोस्तों में शेयर करते रहें। इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू फॉर वॉचिंग दोस्तों, हैव अ नाइस डे।